नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर एक ऐसी है जिसके बारे में अगर आसान भाषा में आपको समझाएं कि अब वो दिन लद गए कि आप भारत में किसी क्राइम को अंजाम दें और विदेश में जाकर छुप कर बैठ जाएं और फिर सालों साल आप भारत ना आए और वहीं पर आपकी मौत हो जाए और कहानी ख़त्म। अब वो वक्त नहीं रहा कम से कम, क्योंकि हाल फिलहाल के मामले में एक घटना हुई थी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की, जिसके बारे में सभी को पता है कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला को उसकी गाड़ी में गोलियों से छलनी कर दिया गया और बेहद ही छत विच्छत हालत में सिद्धू मूसेवाला का शव तब मिला था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था कि किस तरीके से दिन दहाड़े किसी शख्स का कत्ल आखिर ऐसे कैसे किया जा सकता है। इस कत्ल के मामले में जो नाम सबसे आगे आया उसमें एक नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। बिश्नोई पुलिस की कस्टडी में है और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच इन सब का एक मास्टरमाइंड था जिसका नाम था गोल्डी बरार। गोल्डी बरार जो है वो तब कनाडा में था, अब हालांकि उसे पकड़ लिया गया है। यहाँ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर उसे कैसे पकड़ा गया। दरअसल उसे FBI ने अमेरिका में गिरफ्तार किया है। कनाडा से वो अमेरिका ट्रैवल कर रहा था। अमेरिका पहुंचने के बाद में भारतीय जांच एजेंसियों की गोल्डी बरार के ऊपर बारीक नज़र थी। गोल्डी बरार जैसे ही अमेरिका पहुंचा, बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि भारतीय जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, जो उन्होंने अमेरिका के जो FBI है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्यूरो, उसको टिप दिया कि इस तरीके से गोल्डी बरार की जो मूवमेंट है वो कनाडा से अमेरिका के लिए हुई है। भारत की जांच एजेंसियों के टिप पर FBI जो है वो एक्शन में आई। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि भारत की जांच एजेंसी और FBI के बीच यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कितना शानदार रहा, जिसके बाद FBI ने गोल्डी बरार को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद बताया जा रहा है गोल्डी बरार जो है लगातार FBI की निगरानी में है और जो भी सबूत, जो कागजी कार्रवाई भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से की जानी थी, FBI को देनी थी सबूत के तौर पर कि उसके खिलाफ क्या क्या आरोप है और किस तरीके से वो भारत में एक मोस्ट वॉन्टेड अपराधी है, तो उसके बाद में अब जो तैयारी चल रही वही चल रही है कि जल्दी FBI जो है गोल्डी बरार को भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले करेगी और गोल्डी बरार को भारत लाया जाएगा और भारत लाने के बाद में भारत में उसके जो भी गुनाह होंगे, जिस केस में वो आरोपी है, खासतौर पर सिद्धू मूसेवाला के मामले में जिसका उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है, यहाँ उसके सारे गुनाहों का हिसाब होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि FBI अब किसी भी वक्त जो गोल्डी बरार है उसे भारतीय जांच एजेंसियों को सौंप सकती है। आगे इस खबर में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में हमको बताया कि किस तरीके से गोल्डी बरार जो है वो पकड़ा गया। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।